ભુજમાં સસ્તા સોનાના નામે 27 લાખની ઠગાઈ કરનાર બે શખ્સોને ભુજ એલસીબીએ પકડી પાડી તમામ મુદ્દા માલ રિકવર કર્યો છે. એસપીએ સસ્તા સોનાની લાલચમાં નાગરિકોને ન આવવા અપીલ કરી છે. સુરતમાં રહીને ભણતા હૈદરાબાદના આદર્શ જૈને ભુજના ચિતરો હાજી વાલીમ કક્કલ અને અલ્તાફ જતે ફેસબુક ઉપર ફ્રેન્ડ બનાવીને બજારભાવમાં 20% સસ્તા સોનું આપવાની જાણમાં ફસાવ્યો હતો. આદર્શના પિતા અનિલકુમાર જૈન અને કાકા ભરતકુમાર જૈને 42 લાખમાં 1 કિલો સોનું ખરીદવાનો સોદો પાકો કરી ભુજમાં 27 લાખ રૂપિયા રોકડા લઈને માલની ડિલિવરી લેવા આવ્યા હતા. ત્યારે આરોપીએ તેમને સફેદ ફોર્ચ્યુનર કારમાં બેસાડી ભુજમાં આમતેમ ફેરવી જરૂરી કામ આવી ગયું છે તેમ કહીને નીચે ઉતારીને નાણાં ભરેલી બેગની ચીલ ઝડપ કરી નાસી છૂટ્યા હતા. નાણાં ગુમાવી દેવાના ટેન્શનમાં ભરતકુમાર જૈનનું મૃત્યુ નિપજ્યા બાદ તેમના પત્નીના બાબતની ખબર પડતા તેમના ડિયર ભત્રીજાને ગમે તે ભોગે નાણાં પરત મેળવી લાવવા ઠપકો આપતા છેવટે મામલો ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસ દફતરે નોંધાયો હતો, જેથી પોલીસે 24 કલાકમાં બંને શખ્સોની ધરપકડ કરી તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો હતો. પોલીસે ગુનાયત ષડયંત્ર રચવા સબબ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120B અને ચીલ ઝડપ કરવા બદલ નવા અધિનિયમ અંતર્ગત કલમ 379A(3)નો ઉમેરો કરી હાજી ઉર્ફે મામજ વાવિદની અને અલ્તાફ હુસેનભાઈ જત ઉર્ફે પંકજ સોનાની ગાંધીનગરમાંથી ધરપકડ કરી 27 લાખ રોકડા ઉપરાંત સોના જેવી પીળી ધાતુના 3 નકલી બિસ્કીટ, 1 ઇલેક્ટ્રોનિક કાંટો અને કેલ્ક્યુલેટરને મુદ્દામાલ તરીકે કબજે કર્યા છે. ગુનામાં વપરાયેલી ફોર્ચ્યુનર કાર પણ કબજે કરાઈ છે. કોર્ટે મંજૂર કરેલા 1 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા આરોપીને જેલ હવાલે કર્યા છે. આમ તો ભુજમાં લાંબા સમયથી સસ્તા સોનાના નામે ઠગાઈ કરનારી ગેંગ સક્રિય છે, ત્યારે પોલીસે આ મામલો ગંભીરતાથી લઈને ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. જો હજી ફરિયાદ નોંધાઈ ના હોત તો બંને ચીટર નાણાં પરત આપીને અન્યોને લૂંટવાનો પ્રયાસ કરી શકે એમ હતા. પછીમ કચ્છ જિલ્લાના પોલીસ વડા સૌરભ સિંધે આ ગુનાના ડિટેક્શનની માહિતી આપી હતી. સાથે જણાવ્યું હતું કે નાગરિકો હવે સસ્તા સોનાની લાલચમાં ન આવે. સસ્તામાં વેચાતું સોનું ગેરકાયદેસર તરીકે મેળવાયું હોઈ શકે છે. નાગરિકો આવા લોકોથી સાવધાન રહે અને લાલચમાં ન આવે તે માટે પોલીસ દ્વારા અપીલ કરાઈ રહી છે. देखिए, ये सितंबर 18 और 19 के रोज यहाँ पे भुज में हैदराबाद के रहने वाले जो फरियादी हैं वो दो इस्म से मिलने आए थे. उसमें मैटर ऐसा था कि हैदराबाद के जो फरियादी हैं उनको फेसबुक पे आरोपी जो इस केस के हैं उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फिर सस्ता सोना बेचने की लालच दी थी कि मार्केट का जो रेट है उससे 20% सस्ते में सोना वो बेच सकते हैं. तो फरियादी जो है उनकी बातों में आके फिर उनसे मिलने का तय करके यहाँ पे आए थे भुज में 18 और 19 सितंबर 2020 को आके मिले थे. और उसमें कुछ 27 लाख में सस्ता सोना खरीदने की बात हुई थी. उसमें उन्होंने उनको सस्ता सोने की जो बात की थी उसमें बिस्किट भी दिखाए थे और विश्वास में ले लिया था और वो उसके बेसिस पे उनके साथ बातचीत की थी. फिर जब फरियादी यहाँ पे आ गए और उन्होंने पैसे उनको देने की बात की और उसके बदले में सोने को लेने की बात की तो अपनी गाड़ी में आरोपी ने फरियादी को बिठाकर उसको बोला कि पहले पैसे दो, मैं सोना देता हूँ. तो फरियादी ने इंसिस्ट किया कि आप सोना दो. तो इतने में आरोपी ने उसके हाथ से बैग छीन कर उसको गाड़ी से निकाल कर वहाँ से वो चले गए. ये बात है 2-2.5 महीने पहले की. तो फरियादी ने तब से लेकर अब तक पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन अभी 28 तारीख को वो इधर आए थे भुज में और मुझे भी फरियादी का कॉल आया था. वो एलसीबी में भी मिले थे डायरेक्टली. तात्कालिक हमने उनको इंसिस्ट किया कि आप उसमें कंप्लेंट दाखिल करो. कंप्लेंट दाखिल हुई, उसमें आगे पुलिस ने जो इसकी गंभीरता ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये भुज में अनाप अवार नवार बनाव बने हैं, तो इमीडिएटली एलसीबी को इन्वेस्टिगेशन दी गई. एलसीबी पीएसआई राणा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसमें कुछ जो विसंगताएँ सेक्शंस की थी उसको भी करेक्शन किया गया. तो अल्टीमेटली 379A(3) जो नया अमेंडमेंट हुआ IPC में और गुजरात गवर्नमेंट ने किया, उसको हमने उस सेक्शन में गुना दाखिल जो पहले सेक्शन नहीं लगाई थी बाद में हमने उमेरा किया 120B लगाई. 406 420 तो पहले से था ही.
तो इमीडिएटली उसके बेसिस पे उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एनसीबी ने आरोपियों की वॉच में रहे, उनको ट्रेस किया। आरोपी जो हैं उनको विदिन 24 आवर्स हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके देन उनकी इंटरोगेशन और उनकी पूछपरछ और उनके जो उन्होंने ये 27 लाख की चीटिंग की थी उसके बारे में रिकवरी के लिए उनकी इंटरोगेशन के दरमियान उन्होंने स्वीकारा कि हाँ उन्होंने ये चीटिंग की है इन लोगों के साथ और पैसा जो है उनके पास है, तो उन्होंने फिर वो पूरा पैसा जो है पुलिस को हमने वो पैसा रिकवर भी किया उनसे। 27 लाख की पूरी जो रकम गई थी वो रिकवर भी की है और साथ के साथ जो सोने के बिस्किट दिखाए थे वो भी हमने रिकवर किए। दो आरोपी इसमें इन्वॉल्व शुरू से थे। दो आरोपी जो हैं वो हाजी उर्फे मामा जी वली मोहम्मद कक्कल उम्र 47 गांधी नगरी एयरपोर्ट रोड पर रहने वाला है और दूसरा है अल्ताफ उर्फे पंकज सोनी, उसने नाम बताया था उस टाइम पे फरियादी को, सन ऑफ हुसैन भाई जट उम्र 23 रहे गांधी नगरी भुज एयरपोर्ट रोड भुज। इनके पास से 27 लाख रुपए की हमने रकम बरामद की है। सोना जो उन्होंने दिखाया था 3 बिस्किट बरामद किए हैं और एक इलेक्ट्रिक वजन कांटा उनके पास से दिया गया है बरामद और कैलकुलेटर। तो ऐसे करके हमने उनके पास से मुद्दा माल भी जब्त किया है। रिमांड मांगने की कार्रवाई भी की गई थी कल वहाँ पे, हाँ जज साहब के पास प्रोड्यूस करके उन्होंने 24 आवर्स की रिमांड भी दी है ताकि उनके पास से गाड़ी वगैरह जो यूज़ की गई थी इसके लिए क्राइम करने के लिए वो भी रिकवर की जाए। तो ये इस तरह से जो क्राइम को अंजाम दिया उसको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम जो है एनसीबी ने आरोपियों को अरेस्ट करके मुद्दा माल भी पूरा रिकवर किया है। और इसमें मैं बस अंत में यही संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी सस्ता सोना सस्ता चीज़ वस्तु की आपको लालच दे और आपको पहले से ही जाहिर कर दे कि ये सोना उसने गैर कायदेसर तरीके से या कोई भी वस्तु गैर कायदेसर तरीके से उसने ये मंगवाई है कहीं से, तो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, उस लालच में ना आए कि आपको सस्ते में वो सोना या कोई चीज़ वस्तु मिल जाएगी तो आपका फायदा होगा। भुज में ये पहले भी बनाव बने हैं, सस्ते सोने की लालच देकर लोगों को फंसाना, उनके पास से पैसा ले लेना, चीटिंग करने के इंसिडेंट्स पहले भी बन चुके हैं। ये इंसिडेंट्स नहीं बने, हमने आज से 3 महीने पहले हमने लोगों को अपील भी की थी प्रेस के माध्यम से कि इस तरह की गैंग्स यहाँ ऑपरेट करती हैं तो आप इसमें कहीं पे भी मत आइए इनकी बातों में। तो आज फिर से अपील कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी लालच दें, आप पुलिस को बताएं कि ये इस तरह का सस्ता सोना जो स्मगल करके बाहर से मंगवाने की बात कर रहा है, स्मगलिंग की बात कर रहा है, वो पहले ही गैर कायदेसर है। तो उसमें आप उसमें अगर आप स्मगलिंग किया गया सोना खरीदने की बात करते हैं तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं गुनहगार,